हाय एवरीवन, तो गाइस आज वाटर कलर का एक ट्यूटोरियल वीडियो मैं आप लोगों को देने वाला हूं। गाइस इसमें मैं वाटर कलर को एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आप करें लाइट टू डार्क। आई थिंक वाटर कलर तो लाइट टू डार्क ही करते हैं, एंड उनको करने की टेक्निक, ब्रश कौन से यूज़ करें, आपको पेपर कौन से यूज़ करना चाहिए, मैं कौन सा पेपर यूज़ करने वाला हूँ, एंड कलर्स कौन से होने चाहिए, ये सब आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो गाइस मैं कैमलिन के आर्टिस्ट वाटर कलर यूज़ करता हूँ। इसमें गाइस 24 ट्यूब्स हैं जो कि काफ़ी सेट्स के ट्यूब हैं। येलो की अलग सेट्स हैं और ग्रीन की, सभी के अलग अलग टोन बाई टोन इनमें दिए हुए हैं, तो काफ़ी ईजी हो जाता है। एंड गाइस मैं ये सोना ईयर के ब्रशेस यूज़ करने वाला हूँ इसमें, जो कि मैं बनारस से लाया था। आप लोग यदि बनारस में रहते हैं तो ला सकते हैं, वरना मैं नीचे इनकी जो ऑनर हैं उनका नंबर दे दूँगा, तो आप मंगा सकते हैं ऑनलाइन यदि वो कर दें तो। तो गाइस सबसे पहले मैं नेपन येलो की, जो कि स्किन टोन के तरह ही होता है कलर, उसकी एक पतली सी लेयर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है इसमें, मतलब मैंने वाटर को ज़्यादा मिलाया हुआ है, तो उसकी पतली सी लेयर कर रहा हूँ जहाँ जहाँ पर डेप्थ है फोटो में, जहाँ जहाँ पर भी जितने भी डार्क एरियाज हैं ओनली वहाँ पर। गाइस मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ और समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ जहाँ पर भी डेप्थ है फोटोग्राफ में ओनली वहाँ पर मैं नेपल येलो की एक पतली सी लेयर कर रहा हूँ, वो भी वाटर को ज़्यादा लेते हुए, वो भी जहाँ जहाँ पर डेप्थ है। अब उसका रीज़न बताऊँगा क्यों। अब गाइस ओनली ब्रश में थोड़ा सा और वाटर मैंने मिक्स किया और उसी लेयर से उसको नीचे की ओर लाता जा रहा हूँ, जिससे लाइट आते जाए। तो इससे क्या होगा गाइस, डार्क टू लाइट, मतलब एक जो फ्लो होगा वो पता चलेगा कि डार्क कहाँ पर है एंड लाइट कहाँ पर है, क्योंकि वाटर कलर जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। यहाँ पर हम पोस्टर कलर की तरह नहीं यूज़ नहीं कर सकते हैं, पोस्टर कलर की टेक्निक अलग होती है, उसमें करने का तरीका अलग होता है, बट ये कम्प्लीटली चेंज है, ये वाटर कलर है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर डेप्थ को अलग दिखाना पड़ेगा, लाइट सेट को अलग दिखाना पड़ेगा। तो गाइस अभी मैंने नेपल येलो यूज़ किया है, नेपल येलो, एंड गाइस आप देख सकते हैं मैं वाटर को मिक्स करके उसी को नीचे की ओर ला रहा हूँ, एकदम लाइटली ला रहा हूँ। अभी गाइस फर्स्ट लेयर तो हम लाइट ही करेंगे, गाइस ये फर्स्ट टोन है, फर्स्ट टोन कम्प्लीटली लाइट करेंगे, एंड इसमें कहीं पर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लाइट टोन है, यदि ऊपर नीचे हो भी रहा है वाटर कलर बाहर निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। वेल कोशिश करें कि धीरे से फ्लो में वाटर को एक इतनी क्वान्टिटी के साथ ही मिलाएं कि वो मतलब आउट ऑफ ना हो पाए, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो कहीं भी बहने लगता है। मतलब बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं कि ज़्यादा वाटर मिक्स करने से वाटर का फ्लो बहुत तेज़ हो जाता है और वो बहने लगता है। तो गाइस आप मुझे देखें मैं किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, वाटर को ज़्यादा नहीं लेना है। एंड गाइस मैं उसी नेपल येलो की, इसमें थोड़ा सा कम वाटर, यानी कि थोड़ा सा आपको डार्क दिख रहा होगा, तो जो चेहरे में नीचे की ओर डेप्थ वहाँ पर उसको मिला मिक्स कर रहा हूँ, ताकि काफ़ी अच्छे से डेप्थ को ऑप्ट कर सकें हम लोग। एंड ऊपर को मैं ऊपर जहाँ पर फिर से डेप्थ थी, मैं वहीं पर उसी नेपल येलो को फिर से उसकी एक टोन डाल रहा हूँ, ताकि वो डेप्थ अलग दिखे। तो गाइस इससे क्या होगा, जो डेप्थ वाले एरियाज हैं, डेप्थ मतलब जो डार्क एरियाज हैं उनको हम थोड़ा अलग दिखा सकेंगे। एंड गाइस लाइट एंड शेडो का मतलब अच्छे आपको फोटो में ऑर्गेनाइज होना चाहिए, कहाँ पर लाइट है, कहाँ पर डार्क है, कहाँ पर डेप्थ है, कहाँ पर हाईलाइट है, कहाँ पर कौन से कलर को यूज़ करना चाहिए, किस कलर को यूज़ करने से वो टोन का कलर आ सकता है, ये सब चीज़ों का आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। आई थिंक कलर नॉलेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वाटर कलर ड्राॅइंग एंड एनी अदर्स कलर ड्राॅइंग ऑल्सो, तो इन सब चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए। एंड बस गाइस इसी प्रकार से यही टेक्निक को यूज़ करते करते हम फर्स्ट लेयर अपनी कंप्लीट करने वाले हैं, और आई थिंक फर्स्ट लेयर कंप्लीट होने वाली है। एंड गाइस फर्स्ट लेयर कंप्लीट होने के बाद हम सेकंड लेयर पर जाएंगे, एंड ऑल्सो गाइस सूख जाने के कम्प्लीटली जब तक ड्राई नहीं हो जाएगी तब तक हम नहीं जाएंगे सेकंड लेयर में। एंड गाइस देखिए ऊपर थोड़ा ज़्यादा डार्क दिख रहा था, तो उसी को मैंने फ्लो के साथ नीचे को थोड़ा सा उसको लाइट कर दिया है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। गाइस मैंने थोड़ा सा वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है, एंड में गाइस सेम प्रोसेस यूज़ कर रहा हूँ कम्प्लीटली ड्राइंग ड्रॉ करने में, डार्क टू लाइट, मतलब पहले ऊपर डार्क करके उसी को फ्लो करते हुए नीचे को, मतलब फ्लो करते हुए आप लोग समझ रहे होंगे आई होप, उसी को लाइट कर रहा हूँ फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग। एंड ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, मैंने गाइस ये सच बोल रहा हूँ, अभी ये फर्स्ट लेयर ही मेरी चल रही है, मैं फर्स्ट लेयर में ही काफ़ी वर्क कर रहा हूँ। गाइस हमारी फर्स्ट लेयर कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, अब हमें सेकंड लेयर पर जाना है। एंड सेकंड लेयर पर कौन से कलर यूज़ करने, मैं आपको बता देता हूँ। गाइस मैंने येलो ऑकर के साथ मैंने थोड़ा सा ऑरेंज भी मिक्स किया हुआ है हल्का सा, एंड नेपल येलो, ये तीनों मिक्स किए हैं, बट येलो ऑकर की इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो गाइस जो कलर मिक्स करके बना है वो हमारी स्किन टोन के अकॉर्डिंग है, फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग है, तो आपको कलर्स का ज्ञान होना चाहिए कि आपको कौन सा कलर यूज़ करना है।
तो गाइस येलो ऑकर के साथ मैंने हल्का सा नेपकिन ले लूँ और ऑरेंज को मिक्स किया है। एंड गाइस इसी को मैं फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग, आप लोग समझ रहे हैं ना गाइस, फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ पर जितनी डार्क एंड लाइट है उसी के अकॉर्डिंग ब्रश को यूज़ करके मतलब लाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी के अकॉर्डिंग जहाँ पर जैसी डार्क एंड लाइट है वहीं पर उतना ही वाटर मिक्स करके उसको लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग ऑब्जर्व कर जाइए। एंड गाइस नीचे मैंने थोड़ा सा ये देखिए गाइस येलो ऑकर की एक लेयर कर रखा हूँ एंड इसी पर वाटर को यूज़ करके इसको फ्लो करके नीचे, अब देखिए गाइस मैं वाटर का यूज़ करके इसको फ्लो कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं गाइस, और काफ़ी अच्छे से आ रहा है। मतलब अब ये काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, मतलब एकदम डार्क टू लाइट एंड फ्लैट फ्लैट सा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो गाइस जस्ट यही प्रोसेस आप यूज़ करके इन सबको ड्रॉ कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है एंड प्रैक्टिस ज़रूरी है गाइस। यदि आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस एंड कलर नॉलेज है तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी अच्छे से बनेगा, काफ़ी टफ नहीं है, मतलब टफ तो है, काफ़ी टफ नहीं है बट बोल सकते हैं। एंड गाइस कलर नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कलर नॉलेज होना एंड पेशेंस गाइस, वाटर कलर में पेशेंस रखना थोड़ा सा ज़रूरी है। गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं बहुत ही स्लो स्लो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है, बहुत ही स्लो स्लो एंड पेशेंस रखे कि आपसे बन जाएगा एंड बिलीव होना चाहिए पत्थर की बन जाएगा, क्योंकि वाटर कलर थोड़ा सा डिफिकल्टी भी होते हैं, और तो पेशेंस और बिलीव ये सब होना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो गाइस हमारी सेकंड लेयर फेस में तो कंप्लीट हो चुकी है एंड इसी को मैं और अच्छे से मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक रियलिस्टिक लुक देख सकें। एंड गाइस मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा रियलिस्टिक लुक के चक्कर में आप ख़राब मत कर देना। एंड गाइस क्या है ना, रियलिस्टिक हमको वाटर कलर से दिखाना ज़रूरी नहीं है, एक आर्टिस्टिक भी हम दिखा सकते हैं क्योंकि वाटर कलर है, वाटर कलर से हम रियलिस्टिक कितना दिखाएंगे और अच्छा भी नहीं लगता। वाटर कलर एक नेचुरल अच्छे लगते हैं, वाटर कलर में उनका फ्लो होना चाहिए, वाटर कलर की टेक्निक यूज़ होनी चाहिए, तो वो खुद में अच्छे लगते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम रियलिस्टिक दिखाएं। आई होप गाइस आप लोग समझ रहे होंगे। तो गाइस सेकंड लेयर को ड्राई होने के बाद उसी में मैं थर्ड लेयर कर रहा हूँ। थर्ड लेयर में मैं ब्राउन का यूज़ कर रहा हूँ, ब्राउन का कौन सा टोन यूज़ कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। गाइस मैं डार्क रेड एंड येलो ऑकर और हल्का सा मैंने ब्राउन यूज़ किया है और उसी की लेयर को मैं कम्प्लीटली नीचे की ओर फ्लो कर रहा हूँ ताकि एक वाटर कलर का जो लुक आ सके, वो नेचुरल लुक आ सके, उसको लाने की कोशिश करूँ। ट्रांसपेरेंट वाटर कलर मतलब ट्रांसपेरेंट, यदि गाइस आपकी ड्राइंग में ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो वो मज़ा नहीं आएगा, वो जो मज़ा आता है वाटर कलर में वो मज़ा नहीं आएगा। एंड मैंने बहुत जगह पर हल्का सा वर्मिलियन यूज़ किया। एंड गाइस अब हम लोग लिप्स को ड्रॉ करने वाले हैं। तो गाइस लिप्स में मैंने क्या किया है, मतलब जो वर्मिलियन है उसमें हल्का सा रेड मिक्स करके एंड येलो मिक्स करके उसकी जो पतली लेयर है वाटर को अच्छे से मिक्स करके फिर उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर गाइस एकदम रियल टाइम का वीडियो है तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं मैं कितने स्लोली स्लोली ड्रॉ कर रहा हूँ। और गाइस ब्रश को काफ़ी केयरफुल होकर चलाना होता है बाहर ना निकले। एंड कलर नॉलेज देखिए गाइस, क्योंकि अब यदि हम एकदम ही स्किन टोन के जैसा लिप्स में भी कलर कर देते तो वो निकल के नहीं आते। तो गाइस उसमें के लिए हमने क्या किया, वर्मिलियन में हल्का सा रेड टोन मिक्स करके एंड थोड़ी सी ऑरेंज टोन मिक्स करके एंड येलो भी टोन मिक्स की है, तो जो कलर मिक्स करके हमने क्रिएट किया है उसी को कर रहे हैं। एंड डेप्थ और लाइटिंग का ध्यान रखते हुए, ऐसा नहीं कि पूरे में फ्लैट फ्लैट कर दिया, जहाँ पर डार्क वहाँ पर डार्क कलर यूज़ किया है एंड उसी डार्क कलर को नीचे की ओर फ्लो करते करते जहाँ पर लाइट कलर है उसी को ही हमने लाइट कर दिया है। एंड यही प्रोसेस बार बार कर रहे हैं ताकि हमारा जो एक रियलिस्टिक आर्टिस्टिक अप्रोच है वो आ सके, लुक आ सके, तो यही प्रोसेस बार बार यूज़ कर रहे हैं। एंड जहाँ जहाँ पर डेप्थ है वहाँ पर हम लोग डार्क भी कर रहे हैं। फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करना एक काफ़ी डिफिकल्ट होता है तो हमें फोटोग्राफ का अच्छे से ऑब्जर्व करना है। एंड गाइस बियर्ड्स में भी मैंने हल्का सा जो ब्राउन है, ब्राउन में हल्का सा मैंने नेवी ब्लू मिलाया है ताकि एक डार्क जो लुक होता है वो आ सके। तो गाइस यदि आप, क्योंकि वाटर कलर में ब्लैक कलर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, तो आप लोग गाइस ब्राउन में ब्लू कलर मिला दीजिए, उससे जो कलर बनेगा वो काफ़ी अच्छा कलर होगा। एंड यही प्रोसेस मैंने गाइस हेयर में किए, तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है गाइस इसलिए मैंने स्पीड बढ़ा। तो गाइस फाइनली हमारा
जो ट्यूटोरियल वीडियो है वो कंप्लीट होने को है एंड फाइनली हमारी ड्राइंग भी कंप्लीट होने को है। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सर कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सर वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं वहाँ पर भी अच्छे अच्छे पिक्स पोस्ट करता रहता हूँ। तो बस गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।